मैं हूं रचना बंसल। पुणे में कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, ये बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है। और न सिर्फ हंगामा बल्कि तोड़फोड़ भी की गई है, प्रदर्शन और बवाल काटा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए। पुणे की भोर सीट से कांग्रेस विधायक संग्राम थोट्टे के ये सभी समर्थक बताए जा रहे हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद नहीं मिलने से ये सभी समर्थक नाराज हो गए हैं। थोट्टे समर्थक अब अपनी नाराजगी को कुछ इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, अपने नेता को महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल नहीं होने से ये सभी समर्थक नाराज हैं। ज्यादा अपडेट के लिए प्रीति मना पाएंगे उद्धव ठाकरे सबको, और फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ मिल रहा है मिल रही है उसके मुताबिक जो है संग्राम थोपते जो भोर से तीन बार विधायक रहे हैं, इसके अलावा जो है वो पहले जो है मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको जो है मंत्री पद ना मिलने के कारण उनके समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की है। क्योंकि कांग्रेस के पुणे विभाग में दो खेमे हैं, एक है विश्वजीत कदम का और दूसरा खेमा जो है वो संग्राम थोपते का है। संग्राम को मंत्री पद ना मिलने से जो है उनके समर्थक नाराज हो गए हैं और उन्होंने जो है जमकर तोड़फोड़ की थी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि पुलिस ने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। वहीं दूसरे संग्राम ने एक वीडियो जारी करके जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है उस पर नाराजगी जताई है, और साथ में ही ये कहा जा रहा है कि विश्वजीत कदम को जो है मंत्री पद दिया गया बल्कि संग्राम थोपते को मंत्री पद ना दिया गया, इसके कारण जो है उनके समर्थकों ने कल शाम को जो है कांग्रेस दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। 18 घंटे हो गए हैं अभी तक इस हादसे को, लेकिन अब तक जो है कोई भी ठोस कार्रवाई जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। कल शाम की ये घटना है, प्रीति सोमपुरा जानकारी दे रही हैं, और कांग्रेस दफ्तर में कैसे तोड़फोड़ की गई है, नाराजगी जताई गई है, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भोर सीट से लगातार जीते हैं विधायक संग्राम थोपते, और मंत्री पद नहीं मिलने से अब कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी दफ्तर में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रीति सोमपुरा, लेकिन लगातार अगर इसी तरीके से बगावत के सुर उठते रहे, इसी तरीके से नाराजगी, क्योंकि देखिए पहले दिन संजय राउत के भाई सुनील राउत, फिर दूसरे दिन प्रकाश सोलंकी का नाम सामने आया, और अब तीसरे दिन कांग्रेस विधायक संग्राम थोपते की नाराजगी, बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा आगे का रास्ता? दो पार्टियों की मिलीजुली सरकारें, तीनों पार्टी साथ में होने के कारण जो है मंत्री पद का जो कोटा था वो तीनों पार्टी के हाथ में काफी कम आया है। ऐसे में उनको जो है पूरे स्टेट को ध्यान में रखकर, राज्य के ध्यान में रखकर, कास्ट इक्वेशन ध्यान में रखकर जो है उन्होंने ये जो है कैबिनेट और जो मंत्री पद का जो विस्तार उन्होंने किया था। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि अगर देखा जाए तो तीनों पार्टियों में जो है वहाँ के जो विधायक है वो नाराज है। जिस तरीके से सुनील राउत ने नाराजगी दिखाई थी, जो संजय राउत के भाई है, संजय राउत ने जो काफी अहम भूमिका निभाई थी तीनों पार्टियों को साथ में लाने के लिए, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी। वही कई जिस तरीके से प्रकाश सोलंकी ने जो है यही तक बात कह दी थी कि वो अपने विधायक पद का इस्तीफा देंगे, लेकिन आखिरकार जो है उनको मनाने में अजीत पवार और जो है जयंत पाटिल कामयाब हुए। लगातार 2 घंटे तक उनके साथ मीटिंग हुई और आखिरकार उनको मनाने में कामयाब हुए। वही दूसरी और तीसरी और जिस तरीके से ये सामने आया है तोड़फोड़ हुई कांग्रेस दफ्तर में, तो कहीं ना कहीं जो है तीनों पार्टियों में उस वक्त जो है जो विधायक जो 3 से 4 बार जो विधायक रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो अभी साफ नजर आ रही है। और इस नाराजगी को दूर करना किसी भी चैलेंज से कम नहीं होगा उद्धव ठाकरे के लिए, और तीनों पार्टी अलग अलग विचारधारा की एक साथ आई जरूर है, लेकिन आगे इस तरह की नाराजगी अगर लगातार आती है तो मुश्किल हो सकती है। शुक्रिया प्रीति सोमपुरा इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़े